उस वक्त मौके में मौजूद सारे लोग हैरान रह गए थे जब फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली ने करंट कैप्टन रोहित शर्मा को सभी के सामने कायाकिंग बोट रेस का चैलेंज दे डाला। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के काफी बिजी शेड्यूल के बीच बीसीसीआई ने भारतीय टीम की मस्ती और रिफ्रेशमेंट की पूरी व्यवस्था कराई। टीम ने सारा दिन ढेर सारी मस्तियां की क्योंकि अभी टीम इंडिया का मैच 6 तारीख को होना है, जिसके लिए अभी काफी वक्त बाकी है, जहां पर टीम इंडिया श्रीलंका से भिड़ेंगी। लेकिन आज जब टीम को मस्ती करने का मौका मिला तो सारे खिलाड़ी किसी बच्चे की तरह उछलते कूदते नजर आए, सिवाय हार्दिक पांड्या को छोड़कर। लेकिन हार्दिक पांड्या भी उस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा की रेस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए थे। दरअसल ये दुबई की वही लेक है जहां पर कायाकिंग बोट रेस कराई जाती है। यहां पर हर देश के कई प्रतियोगी कायाकिंग रेस में हिस्सा लेने आते हैं, इसलिए विराट कोहली ने रोहित शर्मा को लेक में कायाकिंग बोट रेस का चैलेंज दिया था। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को बोट की पतवार तक पकड़नी नहीं आ रही थी, तो रेस कहां से करते? आपको क्या लगता है, यदि दोनों की रेस कराई जाती तो कौन सा कप्तान जीतता? कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।